Zombie Apocalypse. हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का स्वागत है आर्क सर्वाइवल की एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, आज हम भाई फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी पैरासूट वाली सीरीज। एंड गाइस, ये भाई फोर्थ एपिसोड होने वाला है हमारा। इससे पहले भाई तीन एपिसोड अपने हो चुके हैं कंप्लीट। एंड गाइस, पिछले एपिसोड में हमने किया था भाई बिग बैड डायरवुल्फ एंड लिटिल फोमिया वगैरह जो पैरासूट थे वो वाले भाई पिछले एपिसोड में कंप्लीट किए थे। और भाई आज के इस एपिसोड में अपन करने वाले हैं जो भाई आर्मर वाले पैरासूट होते हैं वो सारे के सारे आज की इस वीडियो में अपन कर देंगे कंप्लीट। एंड भाई चार पांच सेट होते हैं आर्मर के, जो भाई सबसे लो क्वालिटी वाला होता है ऐसे ही हाइड का, एंड उसके बाद चिटिन वगैरह का होता है, वो सारे बना के आज की इस वीडियो में वो वाले भी पैरासूट कर देंगे कंप्लीट। एंड इस वीडियो में अगर बनने से पहले आपने हमारा चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो भाई नीचे रेड कलर का आइकन दिख जाएगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइस, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर देना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल जाएगी। एंड गाइस, चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपना पैरासूट। एंड आज का भाई पैरासूट था फर्स्ट वाला अपना यहाँ पे लेस नेक्ड, भाई ये वाला पैरासूट है अपना। ये भाई सबसे लो क्वालिटी वाला आर्मर जो होता है वो बना के पहनना पड़ेगा। चलो भाई इसको स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से, भाई हो जाए स्टार्ट। चलो भाई हो चुका है स्टार्ट अपना ये वाला पैरासूट। एंड भाई इसमें आपको क्लॉथ का सेट बना के पहनना पड़ेगा। एंड ये भाई बोल रहा है क्राफ्ट एंड इक्विप फुल क्लॉथ सेट। एंड चलो भाई अपना आ जाते हैं भाई इनग्राम पॉइंट में। एंड ये रहा भाई क्लॉथ का सेट, ये तीन लेवल पे खुल जाता है। एंड तीन लेवल पर आप जब पहुंच जाओ भाई वैसे पैरासूट कंप्लीट कर लो, एंड इससे आपको एक्सपी मिल जाएगा एंड एक बूट का भाई वो मिल जाएगा बना हुआ क्राफ्टेड अच्छी आर्मर का। एंड चलो भाई अभी क्राफ्ट कर लेते हैं ये वाला भाई सबसे नीचे होगा, हाँ ये रहा। चलो भाई यहाँ पे शर्ट एंड पैंट एंड ये हैट एंड ये जूते एंड ये ग्लव्स, चलो भाई सारा कुछ डाल दिया है हमने क्राफ्टिंग पे। अभी हो रहा है क्राफ्टिंग। एंड चलो भाई इतना सब कुछ हो गया है, ये वाला पहन लेते हैं जल्दी से। एंड पैंट, ये जूते एंड ये भाई ग्लव्स, ये हमने इक्विप कर लिया। एंड भाई अपना हो चुका है ये वाला पैरासूट कंप्लीट यहाँ पे। एंड भाई एक्सपी मैंने भाई नहीं देखा भाई कितनी मिली। एंड पता नहीं भाई थोड़ी सी तो एक्सपी मिली होगी क्योंकि ये मतलब लो लेवल पे वाला पैरासूट है, इसलिए भाई थोड़ी सी एक्सपी मिली होगी। एंड भाई अपने को ये जूते का बना हुआ मिल चुका है क्राफ्टेड, एंड इसका भाई ड्यूरेबिलिटी 208 है एंड आर्मर 41 है, एंड ठीक ठाक है ये अपने को मिल चुका है। एंड चलो भाई अभी अपन नेक्स्ट वाला पैरासूट देखते हैं, ओपन करते हैं। एंड अपना नेक्स्ट पैरासूट है भाई ये बेटर डूड्स, इसको स्टार्ट कर देते हैं अपन। एंड भाई ये वाला स्टार्ट हो चुका है। एंड इसमें आपको भाई हाइड का सेट बनाना है, ये भाई ये जो क्लॉथ का है इससे थोड़ा अच्छा होता है हाइड का, तो वो वाला अपने को क्राफ्ट करना है। एंड उसका भाई लेवल देख लेते हैं यहाँ पे कितने लेवल पर खुलता है हाइड वाला। एंड भाई ये 15 लेवल पे आपका आर्मर खुल जाएगा ये हाइट वाला जितना भी है। एंड इसको आप ओपन करके भाई बना सकते हो आराम से अपनी इन्वेंट्री में ही। चलो भाई क्राफ्ट कर लेते हैं, अपने पास सामान तो सारा है। शर्ट एंड पैंट, भाई जूते कहाँ गए, जूते यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं एंड शायद ऊपर होंगे भाई ऊपर दिख जाओ, ये रहे भाई हाइट का टोपी एंड जूते एंड ग्लव्स। चलो भाई ये भी अपने बन के हो रहे हैं रेडी। एंड चलो भाई जितना हो चुका है उतना पहन लेते हैं सबसे पहले। एंड ये टोपी एंड शर्ट पैंट एंड ये जूते थे ये वाले एंड ये ग्लव्स थे। चलो भाई हमने हाइट का पूरा आर्मर पहन लिया है। एंड ये वाला भी अपना हो चुका है पैरासूट कंप्लीट। एंड इसमें अपने को रिवार्ड में भाई वही जूते मिले होंगे, हाँ भाई ये देखो जूते मिले हैं हमको पिछली बार की तरह। एंड इसका भाई ड्यूरेबिलिटी भी भाई 500 के लगभग में है एंड आर्मर है इसका 55, तो मतलब ये वाले आप अगर पैरासूट कंप्लीट कर दे हो तो भाई ये वाले मतलब अच्छे अच्छे बूट्स मिल जाते हैं अच्छी ड्यूरेबिलिटी एंड आर्मर के। एंड चलो भाई अपने दो पैरासूट हो चुके हैं यहाँ पे कंप्लीट। एंड अपना नेक्स्ट पैरासूट देखते हैं। एंड नेक्स्ट पैरासूट ये रहा भाई कोल्ड ब्रीथ एंड वार्म हैंड्स, इसको ओपन करने के लिए अपने को भाई ये फर वाला आर्मर ओपन करना पड़ेगा फिर ही जाके ये वाला पैरासूट अपन स्टार्ट कर सकते हैं। तो भाई यहाँ से सर्च कर देते हैं फर, जितना भी फर का आर्मर होगा आ जाएगा। ये भाई 23 लेवल पर खुलेगा आपका
एंड इसको आपको ओपन कर लेना है, फिर आप इनको बना सकते हो भाई बड़े आराम से। चलो भाई अपना इनग्राम तो ओपन हो चुका है, ये शायद से इस मिट्टी में बनेगा। हाँ भाई ये इस मिट्टी में बनने वाला है। एंड भाई इसके इसको बनाने के लिए आपको पेल्ट चाहिए होता है, और भाई पेल्ट मिलेगा आपको आइस बायोम में। आइस बायोम में जो भाई मेहमत वगैरह टहलते हैं उनको मारोगे, उनसे भाई पेल्ट वगैरह मिल जाएगा आपको बड़े आसानी से। और इस वाले बायोम में नहीं मिलेगा, ये जो इस साइड है इस साइड तो केवल हाइड ही मिलता है, उस साइड भाई पेल्ट वगैरह मिल जाएगा। तो वहाँ से आप कलेक्ट करके भाई बना सकते हो। तो मैं गॉड कंसोल से जनरेट कर लेता हूँ जल्दी से। एंड भाई अपना आर्मर हो चुका है लगभग मैं रेडी, चलो ले लेते हैं इससे। एंड ये भाई लास्ट चीज़ अपना ग्लव्स वगैरह हो चुका है रेडी। एंड अभी भाई इक्विप कर लेते हैं जल्दी से। एंड ये थी टोपी अपनी, एंड ये थी पैंट, एंड ये थे जूते, एंड ये ग्लव्स। चलो भाई हमने ये सारा ही आर्मर इक्विप कर लिया है फर्क। एंड भाई पैराशूट अभी नहीं ऑन किया है, चलो भाई पैराशूट देख लेते। तो पैराशूट तो ऊपर ही आ गया होगा क्योंकि हमने ब्लूप्रिंट ओपन किया है। तो भाई ऊपर ये रहा भाई कोल्ड ब्रीथ एंड वार्म हैंड्स। चलो भाई ये वाला पैराशूट हो चुका है अपना ऑन, एंड ऑन है ते ही भाई कंप्लीट। एंड इससे भाई 300 एक्सपी मिली है अपने को, एंड उसी पहले बार की तरह भाई जूते मिल चुके हैं अपने को ग्रीन ग्रीन। एंड इनका भी आर्मर भाई अच्छा खासा होगा भाई, ड्यूरेबिलिटी देख सकते हो भाई 790 ड्यूरेबिलिटी एंड आर्मर 160 है। तो भाई ऐसे अब थोड़ा बहुत मतलब इनसे आर्मर वगैरह भी मिल जाएगा जूते का। एंड चलो भाई अभी अपना नेक्स्ट पैराशूट शायद से होगा चिटिन का, आई थिंक भाई चिटिन का ही आना चाहिए। चलो भाई ये रहा स्नीक सेट, एंड इसको ऑन कर देते हैं। एंड भाई यहाँ पे अभी चिटिन का नहीं है, अभी आया है गिली गियर सेट। मतलब अभी अपने को भाई गिली का आर्मर बनाना पड़ेगा, तब ही भाई ये वाला पैराशूट कंप्लीट होगा। चलो भाई तब तक ये वाले भाई जितने भी मैंने बना के रखे हैं ये सारे भाई हटा लेते हैं, नहीं तो भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब इतने भर गए पूरी इन्वेंट्री इनसे। एंड इसमें डाल देते हैं। एंड ये वाला मतलब गिली वाला जो आर्मर है आपका, उसको बनाने के लिए आपको ये भाई लगेगा ऑर्गेनिक पॉलीमर। एंड ये आप भाई आपको ऑर्गेनिक पॉलीमर आप जब आइस बायोम में जाओगे साइड में, एंड वहाँ पर भाई छोटे छोटे पेंगुइन टहलते रहते हैं, उनको मारने पर आपको ये वाला अपना मिल जाएगा ऑर्गेनिक पॉलीमर। एंड उससे आप मार के भाई आसानी से कलेक्ट कर सकते हो। एंड चलो भाई अभी स्मिथी में शायद बनता है या अपनी ही इन्वेंट्री में, पता नहीं देख लेते हैं भाई, शायद से अपनी ही इन्वेंट्री में बनेगा। हाँ भाई अपनी ही इन्वेंट्री में बनता है। एंड भाई इसका वो दिखा देता हूँ कितने लेवल पर ये खुलता है। एंड ये देखो भाई ये 33 लेवल पर आपका गिली वाला आर्मर खुल जाएगा। एंड 33 लेवल पर पहुँच के आप ये वाला आर्मर खोल सकते हो, एंड उसके बाद भाई बना सकते हो। एंड इसमें हाइड एंड फाइबर भी लगेगा बनाने के लिए। चलो भाई स्मिथी से ले लेते हैं। हाइड कहाँ गया, ये रहा हाइड एंड फाइबर। चलो भाई हाइड एंड फाइबर हमने ले लिया यहाँ से। एंड अभी भाई अपना गिली वाला सेट कर लेते हैं क्राफ्ट जल्दी से। एंड हेड का, एंड जूते, एंड ग्लव्स, शर्ट एंड पैंट। चलो भाई हो रहा है अपना क्राफ्ट गिली वाला आर्मर। एंड चलो भाई अभी पहन लेते हैं जितना भी क्राफ्ट हुआ है। एंड सारा सब कुछ हो चुका है क्राफ्ट, जल्दी से पहनते हैं ये वाला आर्मर। एंड हो चुका है भाई अपना गिली सूट वाला ये वाला पैराशूट भी। एंड इससे भाई 450 एक्सपी मिल चुकी है अपने को। एंड इससे भी हमको जूते मिल चुके हैं ग्रीन ग्रीन, एंड उनका आर्मर भी भाई काफ़ी अच्छा ही होगा। हाँ भाई 533 ड्यूरेबिलिटी है एंड आर्मर भी ठीक ठाक है। चलो भाई इसी में सारा सब कुछ डाल देते हैं। एंड अभी भाई अपना पैराशूट देख लेते हैं अभी कौन सा आया है। एंड ये भाई है अपना पैराशूट एक्सटर्मिनेटर। भाई ये वाला पैराशूट है शायद से चिटिन आर्मर का, भाई चिटिन आर्मर का ही होगा। हाँ भाई ये चिटिन आर्मर का है भाई, चिटिन आर्मर शायद से, हाँ भाई इसी स्मिथी में बनता है। एंड इसका भाई ओपन करने का लेवल दिखा देते हैं जल्दी से। एंड ये रहा भाई 37 लेवल पर आपका खुल जाएगा भाई चिटिन वाला आर्मर। 37 लेवल पर पहुँच के आप खोल सकते हो ये वाला आर्मर। एंड भाई स्मिथी में क्राफ्ट होगा, वही आपको स्मिथी बनाना पड़ेगा एंड उसके अंदर क्राफ्ट करना पड़ेगा ये वाला आर्मर। एंड गाइस अपना हो चुका है सब कुछ क्राफ्ट चीटिन वाला आर्मर। एंड अभी इसको इक्विप करते हैं जल्दी से। एंड ये हो गई पैंट एंड जूते एंड ग्लव्स। एंड चलो भाई अपना हो चुका है चीटिन वाला आर्मर कंप्लीट। एंड इससे भाई 600 एक्सपी अपने को मिल चुके हैं। एंड सेम ही की तरह भाई इससे भी अपने को जूते मिल चुके हैं यहाँ पे।
चलो भाई ठीक है, एंड इसी वॉल्ट में भाई बाकी का आर्मर डालते हैं एंड नेक्स्ट पैराशूट की ओर चलते हैं। एंड नेक्स्ट पैराशूट अभी होगा भाई मेटल वाला, ज्वाइन आ राउंडेस्ट टेबल भाई, ये वाला पैराशूट है अभी। एंड इसमें शायद से भाई मेटल वाला ही आर्मर बनाने को होगा। हाँ भाई फुल फ्लैग सेट अभी बनाना है अपने को। एंड ये भाई अपना स्मिथी में बनेगा। एंड इसका लेवल देख लेते हैं जल्दी से फ्लैग। एंड इसका भाई लेवल पे लेवल है 56, मतलब तो आप जब 56 लेवल के हो जाओगे तभी आप यहाँ से इनका इनग्राम ओपन कर सकते हो एंड फिर ही जाके भाई आप स्मिथी से बना सकते हो। चलो भाई अभी क्राफ्ट कर लेते हैं सारा फ्लैग का आर्मर जल्दी से। एंड भाई अपना हो चुका है फ्लैग का आर्मर क्राफ्ट। एंड अभी भाई इक्विप कर लेते हैं। चलो भाई यहाँ पे शर्ट एंड पैंट एंड जूते एंड ग्लव्स। चलो भाई अपना हो चुका है फ्लैग का आर्मर पूरी तरह से इक्विप। एंड इससे भाई 1000 अपने को एक्सपी मिल चुकी है। एंड इससे को करोगे आप तो भाई आपका लेवल अप भी अच्छा खासा हो जाएगा। एंड इससे भी भाई अपने को जूते मिल चुके हैं इस वाले पैराशूट का रिवार्ड। एंड भाई ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक है एंड आर्मर भी ठीक ठाक है, कुछ ज़्यादा नहीं है। चलो भाई ये वाला भी इस वॉल्ट में डालते हैं एंड अपन नेक्स्ट पैराशूट देखते हैं कौन सा है। नेक्स्ट पैराशूट होना चाहिए भाई अपना सैक प्रूफ करके भाई पैराशूट है ये। एंड इसमें शायद से भाई रॉइट का आर्मर अपने को ओपन करना पड़ेगा। हाँ भाई रॉइट का। चलो भाई रॉइट का यहाँ पे सर्च करते हैं डायरेक्ट एंड देखते हैं भाई कितने लेवल पर खुलेगा। भाई रॉइट की स्पेलिंग भाई गलत डाल दी, पता नहीं भाई रॉइट की स्पेलिंग क्या थी, RAT थी शायद। नहीं भाई ऐसी नहीं थी स्पेलिंग, पता नहीं भाई ऐसे देख लेते हैं, पता नहीं रॉइट की स्पेलिंग क्या थी यहाँ पे। एंड सबसे लास्ट में भाई खुलता है एंड भाई 98 लेवल पे खुलता है ये वाला आर्मर। एंड भाई इसका मतलब ये वाला आर्मर भाई सबसे ओपी वाला आर्मर है। एंड इस वाले आर्मर को पहनने के बाद भाई गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगती है क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा हाई लेवल पे खुलता है ये वाला आर्मर। एंड ये वाला आर्मर भाई आप क्राफ्ट कर सकते हो केवल फैब्रिकेटर में, तो भाई आपको फैब्रिकेटर बनाना पड़ेगा। एंड इसको क्राफ्ट करने के लिए भाई पॉलीमर एंड सिलिका पर्ल हाइट एंड फाइबर वगैरह लगता है, तो भाई इसको मतलब ये वाला मटेरियल आप इकट्ठा करके एंड क्राफ्ट कर सकते हो ये वाला आर्मर एंड ये वाला पैराशूट कर सकते हो कंप्लीट। एंड गाइस अपना हो चुका है ये रॉइट वाला आर्मर पूरी तरह से क्राफ्ट। एंड अभी भाई इक्विप कर लेते हैं जल्दी से ये रॉइट वाला आर्मर। एंड ये भाई लास्ट अपना आर्मर है, इसके बाद सारे भाई आर्मर वाले पैराशूट हमने कम्प्लीट कर लिए हैं। एंड अभी भाई पैराशूट ऑन करते हैं एंड पैराशूट था ये भाई साइक प्रूफ। एंड इसको कर दिया हमने स्टार्ट एंड स्टार्ट करते हैं भाई, हो चुका है कम्प्लीट। एंड इससे एक्सपी मिली है अपने को 25,000 एक्सपी मिली है इससे, मतलब आपका भाई 4-5 लेवल तो शायद से भाई कंप्लीट हो जाएगा इतने एक्सपी में। एंड इससे भी अपने को जूते मिल चुके हैं एंड जूते का भाई आर्मर एंड ड्यूरेबिलिटी भी ठीक ठाक है। एंड आज के वीडियो में भाई हमने सारे के सारे भाई आर्मर वाले पैराशूट कर लिए कंप्लीट। एंड भाई अभी तो बाकी के पैराशूट हैं एंड आर्मर वाले अभी एक भी नहीं बचा है, मतलब जितने भी आर्मर थे आर्ग में सारे के पैराशूट कर लिए हमने कंप्लीट। एंड गाइस फिर मतलब आज की वीडियो में हमने भाई सारे के सारे भाई आर्मर वाले पैराशूट किए हैं कम्प्लीट, तो भाई काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई होगी आई थिंक। तो भाई आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम भाई कौन कौन से पैराशूट कम्प्लीट करें उसके बारे में भाई कमेंट वगैरह करके बताना। एंड आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना। एंड गाइस आप अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड हमारा बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे क्लिक कर देना, जिससे कि भाई नेक्स्ट वीडियो आती है सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। तो गाइस फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।